जो परफ्यूम आज मैंने ट्राई की है उसका नाम जो है ये मैरी मी है, और ये परफ्यूम जो है वो लेडीज़ के लिए है, और इसका जो हम कह सकते हैं कि जिसका ये एक्चुअल परफ्यूम का जो इम्प्रेशन है ये विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल है, और बॉम्बशेल की एक्चुअल प्राइस वेरी करती है उसके साइज़ के हिसाब से। सबसे जो स्मॉलर साइज़ है और स्मॉलर साइज़ है वो हमारे पास $60 से लेकर जो है वो $80 तक की रेंज में जाता है। ये हमारे पास जो फ्रेग्रेंस है ये फ्रूटी एंड फ्लोरल का मिक्सचर है। सो फ्रूटी फ्लोरल का हमारे पास ये मिक्सचर है। ये मेरे पास इस वक्त जो है ना वो मैंने जो एक पैकेज लिया था उसके अंदर से 5 ml की जो है पैकेजिंग के अंदर है। छोटा सा टाइनी सा है, प्लास्टिक का कंटेनर है, आप इसको आसानी से बैग में डाल के भी फिर सकते हैं। 3 options जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर। एक जो है वो परफ्यूम स्प्रे की सूरत में है जो कि सेंट्स एंड स्टोरीज के ऊपर अवेलेबल है। 50 ml जो है उसकी प्राइस तकरीबन 1550 के करीब है, और जो 100 ml के अंदर आती है वो हमारे पास जो है वो तकरीबन 2600 के करीब है। और अगर आप इसको रोल ऑन परफ्यूम ऑयल की सूरत में जिसमें 10 ml की प्रोडक्ट मिलती है लेकिन वो कॉन्सनट्रेटेड होता है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो आपके पास 850 rupees में दस्तयाब है। सो जो वेबसाइट है इनकी वो कहती है कि जी हमारे पास ये उनकी number 1 बेस्ट सेलिंग लेडीज़ परफ्यूम है, लेकिन मुझे ये इतनी पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे एक्चुअली फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद हैं तो ये अच्छी है, लेकिन अगर आपको फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं हैं तो ये आपको पसंद नहीं आएगी। इसके अंदर हमारे पास जो टॉप नोट्स हैं वो टेंजरीन है, ग्रेपफ्रूट है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और पैशन फ्रूट है, यानी कि इट्स रियली रियली फ्रूटी फ्रेगरेंस। और मिडल नोट्स हैं वो हमारे पास उसमें कुछ फूल आ जाते हैं जी, जैस्मिन है, रेड बेरीज हैं, लिली ऑफ द वैली है, पियोनी है, वनीला ऑर्चिड है, और इसके बेस नोट्स में मस्क, वुडी नोट्स हैं, ओक मॉस है। बट ओवरऑल जो इसकी फीलिंग है वो बड़ी फ्रूटी है, एक्सट्रीमली फ्रूटी विद अ हिंट ऑफ फ्लोरल टच। तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, इसमें बाकायदा तौर पर ना सिट्रसी फ्रूट्स का जो है वो अरोमा फील होता है बंदे को, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, तो मेरे तो हिसाब की ये नहीं है। लेकिन ये कि उनके जो सेल्स कहती हैं कि ये परचेज़ बहुत ज़्यादा की जाती है, ख़वातीन इसको पसंद करती हैं, और number 1 वुमेन्स बेस्ट सेलर के नाम से उन्होंने इसको लिखा हुआ है। सिलेज जो है वो मीडियम है। सिलेज से मुराद ये होता है कि अगर आपने परफ्यूम लगाई हुई और आप कहीं से गुजर के जाते हैं तो वो आपके गुजर के जाने के बाद वहाँ पे कितनी देर महसूस होती रहती है, सो सिलेज इज़ मीडियम। और जो लास्ट करने की पावर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 hours इनकी वेबसाइट क्लेम करती है कि स्टैंडर्ड एटमोसफेयर के अंदर जो है ना इसका उन्होंने एवेल्यूएट किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी ये जो है ना रिपीटेडली अप्लाई करनी पड़ती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर जो है ना बहुत हल्की पड़ जाती है। सो सिलेज मीडियम है, लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3 to 4 hours तक है, देन यू नीड टू रीअप्लाई इट। आपके पास अगर आप जो विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल परचेज करते हैं तो वो तकरीबन 17,000 से कुछ ऊपर पड़ेगी, डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है। सो उसके अंदर जो है ना वो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो बंडल्स और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ डिफरेंट साइज़ के अंदर जो है वो $60 से लेकर $80 के करीब तक की है। तो उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो 17,000 प्लस के मुकाबले में आपके पास जो इसका आ जाती है ऑप्शन वो तकरीबन 850 से लेकर जो है ना वो आपके पास 2600 तक की रेंज के अंदर है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने परफ्यूम ऑयल 10 ml लेना है या जो स्प्रे है वो 50 ml या 100 ml लेना है। सो दैट वॉज इट, इट वॉज मैरी मी परफ्यूम फ्रॉम सेंट्स एंड स्टोरीज, और फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम।